देखेगा हर कोई वो कहाँ कहाँ जाएगा। डीजे डीजे जय भोले। बाद यहाँ पे शिव जी का रोट बन रहा है, तो हर साल पापा बनाते हैं तो भाई बना रहे हैं और गैस ऑन नहीं किया, तो अभी ये रोट बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको मंदिर में चढ़ाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये मोबाइल देख रहा आदि, अब इससे छुप के जाना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देगा। इस बार ये भी नहीं जा रही है। और ये हमारे बैग, ये मम्मी पापा का बैग, वो भी इन दोनों का बैग है। और ये फॉर्म ले जा रहे हैं और एक हमारा बैग ऊपर है। रोड हो गया तैयार, तो अभी रोड चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि जब भी मन में जाते हैं तो ये रोड ज़रूर चढ़ाते हैं। ओम भगवान विष्णु So guys, हम लोग निकल चुके हैं मणिमहेश यात्रा के लिए। तो आज है 2 सितंबर और आज ही हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ से जाएंगे, देखते हैं रास्ते में कि अगर रुके या फिर हम चंबा में आज स्टे करेंगे। तो अभी हमारे साथ है पापा, मैं और मम्मी पीछे। तो आदि और उसकी मम्मी को नहीं ला पाए क्योंकि इस बार उनका आने का मन नहीं था, तो इसलिए हमने उन्हें घर ही छोड़ दिया। चलिए अभी निकलते हैं, तो आगे एक और गाड़ी वेट कर रही है, तो अभी उसमें जितनी सवारी है वो बिठवानी है क्योंकि वो हमारे साथ ही जा रही है। तो हेलो गाइस, जय शंकर। तो आज हमारी मणिमहेश यात्रा शुरू हो रही है, तो हम लोग सभी जा रहे हैं मणिमहेश यात्रा पर। तो इस बार हम 3 ही मेम्बर हैं घर के, मैं, पापा और मम्मी। मंजू और आदि इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि पिछले साल उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा बीमार हो गया था। तो ये देखिए, ये एक टेम्पो है यहाँ पे, और ये हमारी गाड़ी। तो अभी चुन्नी वगैरह बांध रहे हैं, तो ये स्पीकर वगैरह लगा दिया हमने मणिमहेश यात्रा का। तो एक टेम्पो ये है, ये हमारे भोलेनाथ। जय मणिमहेश। और से जाते हो, और ये भैया ये है इनका टेम्पो अपना, ये जा रहे हैं हमारे साथ। ये पिछले साल नहीं थे, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ, ये छत्तीसगढ़ के हमारे पूरे ले। सो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ से अभी, तो अभी हम मुट्ठी कैंप में ही है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। जयकारा शिव शंकर महाराज जी का, अच्छे दरबार की जय। अभी हम लोग पहुंचे चिची माता, तो टेम्पो वाले थोड़ा आगे निकल गए थे क्योंकि इनका चलने का तरीका अलग है, तेज़ चलते हैं और पापा थोड़ा ढीला ही चलते हैं। तो ये सामने है चिची माता, तो यहाँ पे हमने लगाई है गाड़ी, तो इस साइड लगा टेम्पो। तो अभी देखते हैं कितनी देर रुकते हैं, तो फिर उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। सो गाइस, अभी हम लखनपुर पहुंचने वाले हैं, टायर पंचर हो गया है, देखो अभी साइड लगाते हैं, करते हैं इसको। सो गाड़ी का हो गया टायर पंचर और अभी लगा देंगे पंचर। तो हमारे ड्राइवर साहब भी आ गए, टेम्पो वाले ये भी आ गए, हाथ बटा रहे हमारे साथ। और पापा अभी जैक ऊपर कर रहे हैं, मैंने तो किया था। और हमारे भगीरथी जी टायर लेके बैठे हुए, चलिए फिर लगाते हैं पंचर, फिर मिलते हैं आपसे लखनपुर में। सो गाइस, लगा दिया पंचर, तो जस्ट अभी निकल चुके हैं। इतनी गर्मी में पंचर होना और यात्रा पे जाने के टाइम पंचर, हालत खराब हो गई। क्या पता था गर्मी, हालत बहुत खराब हो गई पंचर लगाते लगाते।
सॉरी इसमें हवा भी है, टायर लगा दे लगा दे। तो अभी देखते हैं टायर आगे कहीं मिलेगा तो ले लेंगे। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लखनपुर और ये देखिए यहाँ पे पल्लू की शॉप। ये पूछो पूछो नीचे उतर के बोलो खाना हम उतरेंगे खाएंगे पल्ले वगैरह। तो ये गाड़ी पीछे है, पता नहीं खाना बोल पीछे आ गई है गाड़ी। सो निकलते हैं खाते हैं पल्ले। दो लगा दो तो आपको पता है यहाँ पे मशहूर पल्ले मिलते हैं। तो अभी हमारे पल्ले तैयार हो रहे हैं, ये हो रहे पल्ले तैयार। सो ये आ गए हैं पल्ले और ये मम्मी को दे देते हैं पल्ले। लो जी खाओ पल्ले। सो अभी हमने एंटर किया है जस्ट डलहौजी रोड पे। तो अभी आगे जाके यहाँ पे एक वो लंगर आएगा तो लंगर में हम अभी खाना खाएंगे। ये मोड़ पे ही है लंगर, जस्ट हर साल यहीं पे हम आते जाते रुकते हैं और यहाँ पे आज भी लंगर लगा हुआ है। तो यहीं पे हम लगाएंगे गाड़ी। तो अभी चलते अंदर। भोलेनाथ सुबह भी खा रहे हैं खाना तो हम भी खाते हैं। ये बाबा कुछ अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। बाबा बम बोलो बम बाबा बम 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 जो ना बोले बम जो ना बोले बम जो ना बोले बम उन्हें 24 सवार का जो ना बोले बम दो तीन जीनी मर्जी चने 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 रह लो एक ही चीज बस चलिए। सो जी आगे जी प्रसाद देखो, प्रसाद भी यहाँ पे हाई फाई मिलता है। देखो नान है साथ में, थोड़े चावल दाल है, तो पावा भी खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं आगे पीछे। जो ये लंगर है ये है यहाँ पे चक्की में, तो चक्की है जगह पड़ती है यहाँ पे लंगर है। तो अभी हमने लंगर खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी लंगर था। सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे तो कई शॉप देखेंगे टायर की, तो टायर वगैरह लगाएंगे इसमें। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। टायर वाली शॉप पे ये टायर से लगे 100 पैर 70 16। सो अभी टायर वगैरह लाते हैं तो करते हैं फिट। पीछे वाली शॉप पे काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहे थे, यहाँ पे सस्ता ही बताया इसने। तो अभी लगवाते हैं फिर निकलते हैं आगे से, क्योंकि मनमेश वाला रास्ता जो है बहुत ख़राब है, कि ऐसा ना हो कि रास्ते में रुकना पड़े कहीं खज्जल हो जाए। देखो बारिशों के कारण यहाँ पे भी काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ, पीछे भी लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखो हिमाचल में तो इस बार बहुत ही हालत ख़राब है। सो गाइस अभी हम हैं तनु हट्टी में, जो मेन बॉर्डर है पंजाब और हिमाचल का। तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि तो बिना रजिस्ट्रेशन के आज जाने नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पे करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ये देखो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं जाने दे रहा।
गाइस अभी हम यहाँ पे व्यू पॉइंट पे हैं चंबा से कम कोई 30 किलोमीटर पीछे। तो अभी यहाँ से देखिए ये व्यू पॉइंट, ये जो रावी नदी यहाँ से होती हुई यहाँ से जा रही है। और जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो हम फ़ोटो वगैरह ज़रूर लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं। और ये देखिए रावी नदी कैसी लग रही है यहाँ से, सारे यहीं पे रुके हुए हैं। और ये रास्ता जाता है चंबा को डायरेक्ट। तो ये हमारी गाड़ी यहाँ पे लगाई हुई है और टेम्पो पीछे लगाया, सारे फ़ोटो ले रहे हैं। और इसके बैक साइड में जो है वो है बसोली एरिया। और यहाँ का जो पानी है ये बसोली में जाता है। और जो नीचे ये है ये भी डैम बना हुआ है, ये यहाँ पे ये डैम है। तो गाइस देखिए अभी हमारे सामने डांस कर रहे हैं सारे। बाजा जो कर रहे हैं उन लोग बहुत बताते हैं। और बड़े आदमी हैं जो खा के तो बस भाग जाते हैं। सो गाइस अभी हम चंबा पहुंच चुके हैं और ये सामने हमारे सामने चंबा चौगान, ये यहाँ पे सेट करेंगे। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं चंबा में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं आई लव चंबा का ये जो टैग लगा हुआ है। और ये पीछे है चंबा का चौगान, ये देखिए सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। और जो हमारे भद्रवाही यात्रा होती है यात्रा आके यहाँ पे रुकती है चौगान में। तो ये हमारा पहला दिन है आज तो यात्रा का, तो पहला पड़ाव है हमारा। हम डायरेक्ट हमेशा यहाँ पे आके यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ से सुबह हम भरमौर के लिए निकलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भोलेनाथ।